हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मॉर्निंग का समय है और मैं लगा रही हूँ पोछा। जी हाँ, बाकी का झाड़ू का काम, बर्तन साफ करने का, बाकी सारा काम हो गया। और बाहर का जितना भी है, स्लेब पे सिंगवाना विंगवाना सब कर लिया था। जैसे ही मैं पोछा लगाने लगी, मेरे को दर्द हो गया। मतलब बहुत तेज दर्द हुआ। मैं लगा रही थी, बहुत देर से हो रहा था, पर अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। जैसे ही हल्का पड़ जाता था, फिर लग जाती। बार बार मेरे को दर्द हो रहा था और मैंने दवाई भी ले रखी है, ऐसी बात नहीं, पर फिर भी मतलब मैं लगी हुई थी। मैंने सोचा कि चलो कम हो जाएगा, फिर ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगा मेरे को। मैं पोछा छोड़ के बैठ गई और बढ़ता ही जा रहा था। मतलब मुझसे झेल नहीं रहा था बिल्कुल भी, इतनी ज़्यादा दिक्कत मेरे को हो रही थी। और मैंने किसी को बुलाया है अपने लिए, क्योंकि काम तो चलो मैं जैसे तैसे अपना रो के हंस के करना ही है मुझे। कुछ काम होते हैं जैसे भाई, देखिए पूजा पाठ करनी होती है तो पोछा वगैरह ज़रूर लगाना पड़ता है, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। फिर मैंने खाई पेन किलर। पेन किलर खाने के बाद मैं नहाई और मैंने सर धोया। फिर मैं बना रही हूँ खाना। आज सुबह खाना ही नहीं बना, नाश्ता बस अवनी को है ना, वैसे ही नाश्ता जल्दी जल्दी जमे बना के दे दी। नमक मिर्च के दोपहर की रोटी नहीं बनी, ये मान लो ना, ये दोपहर का ना ये शाम का, 3 बज रहे थे अब जब मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि मेरे दर्द हो रहा था, पड़ी थी, मेरे बस की नहीं था। जब भी मुझे थोड़ा सा आराम लगा, मैं नहाई धोई, फिर मैंने सोचा पूजा पाठ करी। आज तो मैंने हाथ जोड़ लिए गोपाल जी से, सुबह दीपक भी नहीं जला क्योंकि मेरे बस की उठना नहीं था। और बस ऐसे उठ के फिर गोपाल जी को, जब मैं नहाई उठी, फिर मैंने गोपाल जी को मतलब नहलाया, भाई पूजा में बैठाई और हाथ जोड़े कि आज मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैं अब धीरे धीरे अपना खाना बनाने के लिए लगी हुई थी। भाई अब देखो पेट तो मांगता ही है, चाहे जैसे हो काम तो करना ही है, चाहे थोड़ा देर से चाहे सवेर से। तो यहाँ मूली और शलजम की जो है भुजी बना रही थी मैं। थोड़े से हलवाई हलवाई से पत्ते थे, वो भी मैंने काट लिए थे। बस ये बाकी के जो फालतू के पत्ते हैं गाय के आगे चल जाएंगे, छुत तक भी शलजम छोल ली थी। मूली काट के अच्छे से धो के साफ करके रख ली थी। फिर थोड़ा सा पानी डाल के इनमें लाई हूँ और कुकर में डाल देती हूँ। थोड़ा सा डाल दूँगी मैं नमक और इसमें थोड़ा गिरूँगी पानी और इनको उबाल लेती हूँ दोनों चीज़ों को। मन तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर रहा था, बस की नहीं था बिल्कुल भी, हो नहीं रहा था मुझसे काम, पर वह काम तो करना पड़ता है। देखिए ऐसे तो नहीं चलेगा, मतलब बैठ के भूखे रह कर काम तो नहीं चलेगा, गोड्डे भी नहीं चलेंगे। बच्चों को क्या खुआऊंगी, क्या पियाऊंगी, कैसे होगा कैसे नहीं, सब चीज़ों की टेंशन दिमाग में हो रही थी। पर चलिए, सब को भगवान, सब कुछ भगवान के हाथ में है, वही संभालने वाला है। अगर किसी पर कोई मजबूरी पड़ जाए तो भी वही संभालता है, अगर कोई परिस्थिति आ जाए तो भी वही संभालता है, हर स्थिति में वही संभालता है सबको। और मेरी डोर भी उसी के हाथ में है, जो भी होगा देखी जाएगी। फिलहाल तो ये मैं सारी चीज़ें यहाँ से हटाई, और जितने भी छोटा है ना सारे इस पे इकट्ठा कर लिए हैं, इनको उठा के बाहर डाल जाती हूँ। पीछे से ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही होगी, रास्ता है ना कुछ चलता ही रहता है। और मैं जा रही थी मतलब जो है छोटक डालने के लिए गाय को, ये सारे छोटक मैं गाय को डाल दूँगी। हरे पत्ते के हैं ना, थोड़ा कूड़े वगैरह पे हम नहीं डालते, गाय खा लेगी चारे में अपने, उसके चारे के ऊपर डाल दूँगी। कपड़े डेली धुलने हैं, थोड़ा बहुत काम लगा ही रहता है। कुछ कपड़े अभी भी पड़े हुए थे पर मेरी हिम्मत नहीं थी धोने की और तबीयत मेरी ठीक सी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ जैसे ही मैं इधर से आई तो मेरे जो है हस्बैंड वो मुझे कुछ कह रहे थे, तो मैं ये आप लोगों को बता नहीं सकती क्या कह रहे थे, तो मैं यहाँ खड़ी हुई उनकी बात सुन रही थी। और बस चलिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो आदमी कह नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता। तो मैं बोल रही थी उनके साथ में और मैं फिर अपना सुन के आगे को निकल गई। यहाँ इधर से फिर रुकी मैं 2 पल के लिए कि हाँ भाई तुम जो भी है मतलब कोई भी बात हो, वो हर बात भाई ऑन कैमरे नहीं बताई जाती, ना सुनी कही जाती, कुछ ऐसा ही बोल रहे थे, ना कहने लायक ही हो शायद वो बात। और अभी फिर मैं आगे को निकल आई सुन के। मैं काट रही हूँ अमरूद। जी हाँ, अमरूद काट रही हूँ मैं। थोड़ा सा नमक डाल के काला इसको खा लूँगी। कमेंट कर रहे थे कि आपकी तबीयत ठीक है, आज मेरी तबीयत रोज से ज़्यादा ढीली है, दवाई है ना कम आराम कर रही है, आज ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चाय पियोगे? और उससे ज़्यादा दिक्कत है, आज मैंने किसी को बुलाया है अपने लिए, मुझे नहीं भाई खाना पीना, नहीं तो कम से कम बच्चों को तो संभालना है। एक दो दिन के लिए फिलहाल किसी को बुला रही हूँ, बाकी तो एक दो दिन के लिए बुला के देखी जाएगी। फल कट्टा है अमरूद, आ जाओ आप लोग भी खा लो।
हालत कुछ इस तरह की हो रही थी, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी कुछ दिक्कत मतलब बढ़ सी रही थी। पर ये 2 दिन से मैंने दूध की रही लगा रखी है, आपसे झूठी क्या, 2 दिन से मतलब ये आता ही नहीं है। पता नहीं गर्म पानी डालो कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, मतलब मैं परेशान होगी। फिर मैंने इसको हटा के यहाँ रख दिया, मैंने कहा फिर देखूंगी, मेरे बस के एकदम सारे काम नहीं करने, मैं खुद ही मतलब थक रही हूँ, खुद मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, खुद ही मतलब दिक्कत हो रही है। वह दवाई खा के आदमी लग जाता है काम में, जब आराम सा लगता है तभी काम में लग जाता है, फिर वही सिचुएशन फिर वही हालत, बस क्या करें, सब चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। जहाँ अकेले होते हैं वहाँ तो सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी पास ना हो आदमी के, तो उस आदमी की ज़िंदगी कैसी होती है, उसे कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। एक पल के लिए कोई अपने अपने सीने पर हाथ रख कर देखो तो महसूस होती है ये चीज़, पर अपनी ज़िंदगी तो ऐसी है, किसी का सुख ही नहीं है, खुशी नहीं है, बस खुशी खुश होने का थोड़ा सा करना पड़ता है, रहना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है बच्चों के लिए। और मेरे पास आटा नहीं था, आटा ख़त्म हो रहा, तो ये वाला आटा मैं लेकर आई हूँ। और मतलब गेहूँ नहीं है, मतलब बो रखे और है भी नहीं है, तो मुझे मोल की ही सारी चीज़ें लेनी पड़ती है, तो मैं ये आटा लाई थी। और यहाँ मैं अब थोड़ा फिर नेक्स्ट डे हो गया था, आप लोगों को बता दूँ मैं यहाँ लेट रही थी, तो जो भी कोई आ रहा है मतलब आप लोगों का भी पता चल जाएगा, मेरी वीडियो शूट करता थोड़ा दीदी, मतलब मैं सो रही थी मुझे पता भी नहीं, मैंने फिर गोली खाई थी फिर लेट रही थी कि दीदी आप पड़े हो, थोड़ी सी देर आके बाहर बैठी हूँ, थोड़ा सा अंदर लेट रही थी, यहाँ भी बिस्तर लग रहा है, लेट रही हूँ मैं। आज के अभी कमेंट पढ़ रही थी, मैंने सोल तार रखा ही रखा, आज के कमेंट पढ़ रही थी मैं, कुछ लोग कह रहे कि भाई बीमार होने का नाटक कर रही हैं, नाटक भी हो, टीवी में तो नाटक देखे है, रियल लाइफ में भी नाटक है। और मुझे कोई शौक ना है चारपाई पकड़ने का, क्योंकि मुझे है ना काम करने की आदत है, मुझे पड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं, तो देखो भाई मेरे पता है जीने का नहीं, नाटक वाला फील वही कर सका इस काम को भाई, देखिए टाइम भर का ही है, वही कर सका इस चीज़ को, वही कर सका जो मतलब स्कूल ड्रामे करने आते हो, मुझे नहीं आते, मुझे आज सांस सा चढ़ रहा, ज़्यादा तबीयत डर ना, आज बिल्कुल भी उठा जा रहा, नहा ली पूजा कर ली, बाकी काम नहीं हो रहा आज। और मैंने अपना भाई बुलाया, लो आप लोग कह रहे थे कौन बुलाया, फिलहाल तो मेरा भाई आया, मेरा भाई बोलना ले, मेरा भाई आ रहा, मैंने बुलाया अंदर, तो बाल तो बाल ही, बालों को क्या है, बालों पर कमेंट, फोन आ रहा तुम्हारा, मेरा भाई आ रहा, तो थक गई हूँ भाई, काम नहीं हो रहा, मतलब पड़ी पड़ी है, इतनी हालत डाउन है। जब लोग बोलते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर रही है, नहीं दिखा रही है, बीमार दिखा रही है, बोलने को भी मन नहीं कर रहा, अब इस तरह तो छोड़ा ही नहीं मैंने, सुबह से बस नहा कर पूजा पूजा करी, बाकी हो नहीं रहा अब भी, बस मैंने बात करने को मन नहीं कर रहा, फिर करूँगी, हाथ बढ़ेंगे स्कूल रहे, सर्दी ना हो रही मुझे, मेरी रिपोर्ट्स आ गई है, थोड़ी देर में बताती हूँ क्या आया है। चलिए, बहुत सारे लोग पूछे थे आपके उसमें क्या आया रिपोर्ट्स में, बता देती हूँ, मेरी रिपोर्ट्स आ चुके हैं, रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल नहीं है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी और आज भी बताती हूँ, क्या दिक्कत है ये मैं नहीं बता सकती वीडियो में, पर जो भी रिपोर्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हालत जो है क्रिटिकल है, मतलब ख़राब है, और डॉक्टर ने बोला कि दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती है अगर अभी ट्रीटमेंट नहीं दिवाया गया, और फिर आगे मतलब नौबत ये आ सकती है कि शायद आपकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए बहुत ज़्यादा, और मेरा जो है खून भी नहीं बन रहा मेरे अंदर, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, खून भी नहीं बन रहा है, पीली पीली हो रही है आँखों में, पीलापन, पाँव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ, उन सब चीज़ों के पीछे यही रीज़न है कि मतलब जो दिक्कत मुझे हो रही है। और तो अभी डॉक्टर ने होगा, कल देखते हैं, कल बुलाया भी है और जाना है, मतलब कल ये बोला कि कल आना, देखते हैं, जो अगर कल सिचुएशन ठीक रही और जो है अगर मतलब क्या बताऊँ, डॉक्टर ने बोला आओ, हो भी सकता है कल नहीं भी, दोनों ही चीज़ें हैं, पर डॉक्टर जल्दी से जल्दी बोल रहे हैं, और बस कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हम नहीं बोल पाते, नहीं बता पाते, पर दिक्कत बहुत मतलब ज़्यादा है, मैं फिर रही हूँ, तो मुझे ना कल बहुत मतलब पेन हुआ, बहुत पेन हुआ, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि गोली जो है वो कहाँ तक असर करेगी, दवाइयाँ जो है अपना काम करना बंद कर रही है, जल्दी से कराओ, तो
कल देखते हैं जो भी होगा। चलिए आपसे थोड़ी देर मिलती हूँ। अभी मैं ना फिर डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, और मैंने बताया था ना कि मैं आप लोगों से फिर बात करूँ, कर ही नहीं पाई। फिर से डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, आँखें देख सकते हो आप मेरी, और पता नहीं क्या बोलेंगे डॉक्टर, क्या होगा। मतलब मेरा मन किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, परेशान हूँ बहुत, बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ। अगर कोई दिक्कत ज़्यादा हो गई, अभी बता तो डॉक्टर ज़्यादा ही रहे हैं, पर और थोड़ा रिपोर्ट्स में पता चलेगा। अगर प्रॉब्लम उन हिसाब से ज़्यादा बढ़ गई ना, तो मतलब मैं पता नहीं क्या करूँ, क्या होगा बच्चों का। मुझे अपनी टेंशन से ज़्यादा है, अपना तो चलो चल जाएगा, मैं अगर पढ़ भी जाऊँ खाट पे तो चल जाएगा, पर बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये नहीं मैं नहीं चाहती। मैं डॉक्टर से बोल रही हूँ कि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दो, मैं नहीं चाहती कि मैं पढ़ जाऊँ और बच्चों को रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाए। अपने से ज़्यादा बच्चों की टेंशन है। बस आप लोगों का सपोर्ट, प्यार इस टाइम मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ ना, मुझ पर दुख झेला नहीं जा रहा, और मन करता है कि बस रोऊं, पर अपने आंसू काबू करने की कोशिश करती हूँ। हर कोई हाथ साथ छोड़ कर जाने के लिए तैयार खड़ा है, छोड़ दिया है लोगों ने। जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, वहाँ कोई लोग सपोर्ट करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और हाँ, कोई लोग सपोर्ट करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा, कोई किसी की स्थिति सिचुएशन नहीं समझना चाहता। और जब वो बोलते हैं ना अपना इसी सिक्का खोटा, तो दूसरों को क्या दोस्त देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।